कविता के आप थक गए, हास हास के आप थक गए, गीत आपने सुन लिए, मुक्तक आपने सुन लिए, हास्य आपने सुन लिया, वीर रस आपने सुन लिया। जानते हो सबसे बाद में जो कवि आता है उसका संकट क्या होता है? आपने ठेले पर कोल्हू में गन्ने का रस निकलते देखा? थोड़ा याद करो, गन्ने को एक बार डालते हैं कोल्हू में, फिर उसी गन्ने को दोबारा मोड़ के डाल देते हैं, कई बार दोबारा मोड़ के डाल देते हैं, और जब वो गन्ना बिल्कुल खोखस खोई हो जाता है तब मुझसे कहते हैं कि अब इसमें तू रस निकाल के दिखा। मैं नींबू फंसा की कोशिश करता हूँ। नंबर मेरा सबसे बाद में आता है उम्र के लिहाज से। मैंने काफी दिनों बाद एक नई कविता लिखी है और मैं अपने घर में, मैंने अभी 21 अक्टूबर को अजय भैया के सामने थोड़ा सा हिस्सा उसका, तब तक पूरी नहीं थी, मुखड़े नहीं थे, कुछ नहीं था। आज मैं समझेगा उसका इस पावन पर्व पर, पटेल जी के जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर, मैं उसको पहली बार पूरी पढ़ूंगा और अपने घर में पढ़ूंगा। और मैं अपने छोटे भाई अर्जुन है, प्रवीण है, तेज है, सुमलेश है, कोमल, सब अपने छोटे भाई बहनों से कहूंगा कि सुनी किसी ने भी नहीं है। तेज को जब सुबह मेरे घर नाश्ता कर रहा था तो मैंने मौका देख के नाश्ते से पहले कोशिश की कि इसको तो इसने कहा क्यों नाश्ता खराब कर रहा है मेरा तो। मैं पढ़ता हूँ पहली बार, मन से सुनिए। मुझे इस कविता को लिखने के लिए पढ़ने में 1 महीना लगा, लिखने में ज्यादा समय नहीं लगा। ये जो लोग आ रहे हैं इनको पता था पवार जी का नंबर इस समय आएगा तभी हम पहुंचेंगे। आपका स्वागत है, आप समय से आए हैं, मैं पहला कवि हूं। तो अच्छा अच्छा लौट के आए, ऐसा ऐसा माफी चाहते, माफी। सचमुच श्याम ने जो मेहनत की है, देखिए मेरे लिए तो मैं हंसी में, हम लोग आपस में कुछ भी करते रहते हैं, मेरे जीवन में मेरे परिवार से भी ज्यादा, मेरे सगे भाई बहनों से भी ज्यादा, पिछले 40 सालों से जिस व्यक्ति का एक रोल रहा है, महत्व रहा है, इतना अपना, इतना करीबी कोई किसी रिश्ते में हो सकता, किसी भी रिश्ते में, मैं नहीं जानता, इतना करीबी, इतना गहरा रिश्ता मेरा श्याम मोहन से है, था और आज भी है। और मुझे जो उसकी सबसे बड़ी चीज प्रभावित करती है, मैं ये संदर्भ नहीं देना चाहता था, मैंने उसका वो वक्त भी देखा है जब सेठ मोदी ने न जाने कितने लाख रुपए मुझे दिए थे कि केवल श्याम मोहन का मोदी रबर से इस्तीफा दिला दो, मुझे दिए थे, मैं किसी और के विश्वास पर नहीं कहता। श्याम ने कहा था मैं मजदूरों से धोखा नहीं करूंगा, मजदूरों को धोखा नहीं दूंगा। श्याम ने कितने ही लाख रुपए ठुकरा दिए उस समय जब वो बहुत गरीबी में जीता था, अमीर वो आज भी नहीं है लेकिन उसके पास ईमानदारी का इतना बड़ा धन है जिसको हम सब सर झुका कर। मध्यस्थ था मोदी ने खुद मुझसे कहा था, मोदी जी से कोई जाके कह दे, पूछ ले कि आपने हरिओम कुमार को कट्टा भर के रुपए सामने डाल दिए थे, ये सत्य घटना है। हमारे सरदेव विजयपाल जी भी जानते हैं इस बात को, उसको जितनी बधाई दी जाए। कई बार मेरा मन करता है कि जब से वो विजयपाल जी के साथ चला गया मैं थोड़ा अधूरा हुआ हूँ, कमजोर हुआ हूँ, क्योंकि मैं तो अपना गुस्सा दिखाना है तो उसके ऊपर, हुक्म चलाना है तो उसके ऊपर, अपने काम करवाने तो उसके ऊपर, कविता सुनानी है तो उसको। आज मैं बहुत दिनों के बाद मैंने कविता लिखी, मैं कई सालों से 2-3 सालों से धोखा दे रहा था अपने को भी और देश को भी, इधर की उधर कर दी, उधर की इधर कर दी। ये मैंने एक नई कविता लिखी है, आप समझ जाएंगे थोड़ा सा। मंच के अपने छोटे भाइयों को समर्पित करता हूँ सबको, उनका मन मानता हूँ, फिर भी फोन बंद करो और इस कविता को सुनो।